आपके अगर जीमेल अकाउंट में कई सारे अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, कई सारे आईडी लॉगिन हो चुके हैं, तो उससे अगर आप परेशान हैं फालतू के अकाउंट से, उसे आपको डिलीट करना है। रिमूव करने से केवल वह हट जाएगा लेकिन परमानेंटली वह डिलीट नहीं होगा। तो उसे डिलीट करने के लिए क्या किया जाना है, कौन सा तरीका है, तो चलिए मैं आपको फटाफट से स्क्रीन पर बताऊँगा कि किस तरह से आप उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करने से होगा क्या कि अगर आप किसी भी तरह का ईमेल आईडी बनाते हो, इवन उसी टाइप का, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर उस टाइप का ईमेल आईडी है तो परेशानी हो सकती है एक ही नंबर से, खास करके ज़्यादा लोग अपना ईमेल आईडी कई सारे बना लेते हैं जिसके कारण से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो परमानेंटली डिलीट कर देना है किसी भी अकाउंट को और तब उसके बाद एक फ्रेश ईमेल बनाइए, तब कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो कैसे परमानेंटली डिलीट करते हैं चलिए मैं आपको फटाफट से स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जिस भी ईमेल आईडी को आपको डिलीट करना है, सबसे पहले उस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है। तो इस ईमेल आईडी से मैं पहले से ही लॉगिन हूँ, तो यहाँ से आप किसी भी ईमेल आईडी को बदल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको टैप कर देना है और थ्री डॉट पे यहाँ पे आ जाना है हेल्प एंड फीडबैक में। तो हेल्प एंड फीडबैक में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर से पहले नीचे की ओर आना है। स्टेप वन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिलीट योर गूगल अकाउंट, यानी स्टेप वन। उसके बाद स्टेप टू आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट योर अकाउंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दूसरा अकाउंट ओपन हो चुका है। मैं जिस अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ, इस यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो मैं किसी एक अकाउंट को डिलीट करूँगा, इसमें मैं इसे चूज कर लेता हूँ इस अकाउंट को। तो इसी अकाउंट को हमें डिलीट करना है। अब यहाँ पर आ जाना है आपको डाटा एंड पर्सनलाइजेशन में, यानी कि तीन नंबर पे आ जाना, यानी कि डाटा एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाना है आपको। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ी नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ से। और उसके बाद नीचे कीजिए, नीचे करना है, तो सॉरी ये ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, थोड़ी सी मिसिंग हो चुकी थी। और यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको देखना है डिलीट सर्विस और योर अकाउंट, डिलीट ए सर्विस और योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देने के बाद ये ओपन हो रही है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट योर गूगल अकाउंट, तो डिलीट योर अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। डिलीट योर गूगल अकाउंट के नीचे जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है, डिलीट योर अकाउंट पे। अब उसके बाद जिस भी अकाउंट को आपको डिलीट करना है, यहाँ से फिर से एक बार साइन इन करना होगा। तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो इस सबसे पहले इसे हमको हटाना पड़ेगा, इस अकाउंट को हमें डिलीट करना है। तो अब इसमें हमें पासवर्ड को इंटर करना होगा, इसका पासवर्ड इंटर कीजिए। अब उसके बाद पासवर्ड इंटर कर देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद देखते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे ये खुल चुकी है। फिर से यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपको फिलअप करना होगा, तो यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। अब इस दोनों बॉक्स में आपको टिक कर देना है, ये आपका क्राइटेरिया है। अब उसके बाद डिलीट योर अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो चुका है जीमेल आईडी। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकती है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये अकाउंट आपके फ़ोन में रहे, उसके बाद अपने आप ही यह फ़ोन हट जाएगा उसे जब भी आप हटाओगे। तो बस यही है इस सिंपल सा तरीका। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं।